आसमान फुल काला हो गया है, बदल तो बाद आंदे दियां चीजां भी बाहर आंदियां सब इधर खेलते रहने इधर बोर्ड वाली सरकार देखने फिलहाल लाइट तो गई वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को एक नए दिन और नई सुबह के साथ उस्मान निसार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूं जी कि आप सब लोग हैरियत से होंगे। टाइम हो रहा जी शाम के चार, दोपहर कह लो शाम कह लो चार बज रहे हैं और कुछ देर पहले अच्छी खासी धुप लगी सी, लेकिन अचानक ही बदल बन गए ने और हल्की हल्की बारिश होना भी शुरू हो गई। आसमान फुल काला हो गया है और बदल हवा दे नाल इतनी तेजी दे नाल चलते जा रहे हैं, इस तरह लग रहा है कि जिस तरह वीडियो नू फॉरवर्ड करो तो बदल तेजी नाल लगे जाते हैं, उन्नी स्पीड दे नाल बदल लगे जा रहे हैं, लेकिन कैमरे के अंदर शायद उड़े वाजिया नज़र नहीं आ रहे। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है जी, बारिश दियाँ कनिया डिगदिया भी नज़र आ रही हैं और जिस दिन भी हवा चलती है, कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ हवा चलती सी भाई, तो सब मुर्गियाँ मुहल्ले दियाँ भी कुछ मुर्गियाँ इस पौधे के कोल आके बैठ जांदियां ने और इस टाइम जी अच्छी खासी स्पीड नाल बारिश होना शुरू हो गई। और सूरज भी हल्का सारा निकल आया, काफ़ी ज़्यादा रोशनी सूरज की नज़र आना शुरू हो गई है और इधर एक अंब भी डिगा है क्योंकि हवा चली सी काफ़ी तेज़, उसके नाल ही अंब भी डिग गया। टाइम हो गया जी शाम के 6:30 और बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, काफ़ी देर बारिश होती रही थी लेकिन इस टाइम बारिश भी रुक गई है और बड़ी मज़ेदार और ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चलती है भाई। सारे परिंदे और जानवर भी बाहर आ गए हैं और इधर वली हैदर के दोस्त भी आ गए हैं, अली हैदर के दोस्त और सब है रे नाम की हाल ने भरा मेरे कामी तेरे की हाल ने ठीक है 12 महीने ठीक ही रहा अलिया दर किधर लगा कि नहीं मौसम कि मजेदार हो गया गर्मी बड़ी ही आज सही हो गया चार भी तू पहले पहले फुल गर्मी सी जो बदल पिया तो हूं कि ठंडी हवा शुरू हो गई और गल दे कर लेंदे एक मिनट काम ही डरा दी ओए बदल तो बाद आंदे दियां चीजां भी बाहर आंदियां ताडे सामने ना ताहे ते बदल पे आए ना जनाब सलाम ले ये ताडे ना तो सलाम ऐसे रहियां तीजां बाहर निकल दियां बदल तो बाद ऐ जी साडे पिंडां दे विच जदों किते ज्यादा बारिश होवे ना बहुत जोर नाल इस तरह दीजा जड़िया भी बाहर निकल आदि और साढ़े पिंड जी मेला तकरीबन चार दिन तक मेला ना दो दिन बाकी ने जी दो दिन बाद साढ़े पिंड मेला है और उधर अज मैं देखा सी बारिश आ गई अचानक वरना मैं अपने वीवर भी जरूर शेयर करता और कोशिश करना कि हूँ जाके भी अपने वीवर दिखाया जाए। उधर जी बकायदा दरबार के उपर काफ़ी काम किया जा रहा है, पेंट और सफाई का काफ़ी ज़्यादा काम जोड़ा किया गया है और अज बकायदा लाइटिंग भी होएगी और मेले च क्योंकि दो दिन बाकी ने तो रात के टाइम उधर कुछ देर के लिए जरा ढोल वगैरह भी बजाया जाता और पिंड के जिन्ने भी बच्चे ने सब बच्चे उधर इकट्ठे होंगे ने तो हूँ फिर उधर चलने और अली हैदर के दोस्तों भी नाल लैके जावे चलोगे कि नहीं पक्की गल और अली हैदर भी आ गया जी वालेकुम असलाम और वली हैदर के काम देखो बिल्कुल सामने घर की छत के उपर बैठा जे ओए की कर दे पे कबूतर फड़ देना भी आना कबूतर फड़ने पे एनू तो होर काम ही कोई नहीं जी वली हैदर न गर्मी फुल गर्मी नहीं हो गया ना जिस टाइम कोई बंदा भी बाहर नहीं निकलता उस टाइम भी घर की छत के उपर बैठ के तो कबूतर बस कबूतर के चक्कर च लगा हों और मैंने इस तरह लग रहा जी कि चूजिया ने हूँ काफ़ी रज के खा पी लिया हूँ पिंजरे के अंदर जाने की तैयारी कर देने पे जान गे चलो भाई चलिए फिर दरबार दे दाऊद आइया
फोन असीं बाहर आ जा रहे हैं जी दरबार से, दरबार कार दी बिल्कुल बैक साइड से जेड़े वीवर के रूटीन ब्लॉग देखते हैं कई दफा उन्होंने मतलब दरबार की जगह देखी है लेकिन हूँ बकायदा प्रॉपर जगह के मुतल काफ़ी इनफॉरमेशन काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प सूरत हाल भी है जी अपने वीवर शेयर की जाएगी। और हूँ असी सब दोस्त जावे जी नए रास्ते तो जो कि कुछ दिन ही पहले बनया है लेकिन इधर थोड़ी सारी प्रॉब्लम है इस जगह तो हल्का सारा डाउन रह गया जिस वजह तो काफ़ी पानी जरा इधर खड़ा हो जाता है लेकिन इस तो अगे और इस तरफ बाकी हिस्सा बिल्कुल ठीक है। इधर थोड़ी सारी प्रॉब्लम है बाहर हाल बारिश अगर ज़्यादा है तो पानी खड़ा होता है लेकिन अगर घट बारिश हो फिर जमीन जी पानी को जजब कर लेंदी है। कंधी के उत्ते ध्यान नहीं आता एक बार डिग के तो बखा पर तू भी एडा चंगा तो नहीं डिग जा। मैं टोटल रास्ता नया बनया जी और काफ़ी ज़्यादा सहूलत जड़ा हो गई है वरना अज जिनी बारिश हो एनी बारिश तो बाद इस रास्ते तू गुजरना इम्पॉसिबल सी सवाल ही पैदा नहीं होंदा। गारा हो जाता सी पेंट भी खराब हो जाती है जुत्ती भी खराब हो जाती है इधरों नंगिया नहीं जाता और दीवार किसी को तोड़ आप ही तोड़ी है या की चक्कर है लगता नहीं लगता नहीं ट्राली वजी है शायद। इस तरफों और रास्ता जाएगा जी पिंड के बहर और असं इधरों इस तरफ टर्न लवेंगे और यह रास्ता जाएगा दरबार की तरफ और स्लो स्लो जाओ हाँ की करना यार तुम मसला की है कोई गल कर वाली यार अबू बकर की हाल ने भरा दे तू भी दरबार से थल मेनू लगता है दुकान ते इधरों बिल्कुल सामने ओही गली आ जाएगी जी जेड़ा रास्ता के घर की तरफों आता है और ए आ गई दुकान और इधर बिल्कुल सामने में दरबार दरबार तक पहुंच गए हैं जी और इधर काफ़ी ज़्यादा लड़कियां का रश है और फड़ी बाल भेज गए बाल भेज गए। अस्सलाम वालेकुम की हाल ने भाई सब है रे दरबार है जी जिस दरबार का कि मेला है दो दिन के बाद और ए वाली ग्राउंड जड़ी तुसी देख रहे हो टोटल एरिया इधर जी एक पूरी नस्ल जड़ी है जिन्हों के जनरेशन कहांगे और असं पंजाबी कहने के एक पीढ़ी पूरी एक पीढ़ी जड़ी है ना वो इस ग्राउंड के अंदर खेल के तो जवान होइए जेडे कि अज काफ़ी साढ़े नाल भी ज़्यादा उम्र के डबल उम्र के जिन्हें भी लड़के ने वो सब इधर खेलते रहे इधर सब तो ज़्यादा खेलिया जाता सी जी बंटे जड़े ने सब तो ज़्यादा खेले जाते सन और सुबह लड़किया ने खेलना शुरू करना और शाम तक यह वाला जोड़ा एरिया है टोटल एरिया लड़किया की प्ले ग्राउंड हों बिला भराई एन जी इस गल मतलब कि मानते हो कि गल सही कही है ना कि पूरी एक पीढ़ी तकरीबन इधर बंटे खेड़ खेड़ के जवान हो गई डाउट कह रहे हैं जी हूँ ए वाले जेडे ने लगता है इन्होंने भी इधर ही खेड़ खेड़ के जवान होना और एक तो ए सी जी इस जगह रिलेटिड इनफॉरमेशन ओए वेखी ओए ओए डी तेज बाल और दूसरे नंबर के दरबार है जी इमाम अली हक बोर्ड वाली सरकार और यह जी जगह जी इधर बोर्ड का दरख्त पहले नहीं सी इस दरबार के अंदर ही चार दीवारी के अंदर क्योंकि पहले इस दरबार की छत नहीं सी इधर सी दरख्त जामन का और क्योंकि नाम दे नाल बोर्ड वाली सरकार लगता इसलिए तकरीबन 10 to 12 years पहले साढ़े पिंड की एक बुजुर्ग हतून ने उन्होंने इस बोर्ड ने इधर उगाया सी और तकरीबन 10 to 12 years के अंदर इस बोर्ड ने टोटल एरिया कवर कर लिया और जिनी भी जगह है जी टोटल जगह के अंदर टोटल ग्राउंड के अंदर बोर्ड का साया हो गया जो कि अजक जे बच्चे इधर खेलते हैं इस साए की वजह तो उन्होंने खेलन की भी बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। बिला भराई तकरीबन बोर्ड में गया कि देर हो गई है और ए बशरा नदी दादी है उन्होंने उगाया ना और सारी तो एक भाल उन्होंने ही की है बड़ी मेहनत के नाल
हाँ जी ए जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है ना जी इस लड़के दे अली हैदर दे दोस्त दी दादी ने जिन्होंने क्या बोर्ड उगाया अज दरबार दियां ग्रिलां नूं अच्छे तरीके नाल पेंट किया गया जी और इस फ्रंट साइड ते भी ग्रिलां ने बकायदा दरवाजा और अंदर वाली साइड तो भी दरबार की सफाई और पेंट वगैरह किया गया हूँ देखने फिलहाल लाइट तो गई लेकिन जिन्ना भी नज़र आ सकिया उन्ना देखने माशाल्लाह जी ए जी दरबार का गुंबद और बहुत ही खूबसूरत बकायदा छत जी छत भी पेंट कर दिता गया और हूँ दो दिन के बाद इधर होएगा जी मेला बाहर हाल जी ऐसी आई दी एक छोटी सारी खूबसूरत जी वीडियो अगर वीडियो तुहानू अच्छी लगी हो तो वीडियो नू लाइक और चैनल नू सबसक्राइब करना ना भूलना तो हूँ मुलाकात होएगी जी कल एक नए दिन और नई सुबह दे नाल ते कल तक ले अल्लाह हाफिज हाँ जी चलिए चलो चलो आज